हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार साबक आप सबको मेरे चैनल चक्की दर्शन में स्वागत करता हूं। आज सोमवार है, चलते भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। मेरे साथ बने रहिए, जहाँ जाएंगे आप लोगों को लेके चलेंगे। बहुत सुंदर दर्शन होगा, दिव्य दर्शन होगा और भगवान भोलेनाथ की आज दर्शन करके आएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाय फ्रेंड्स, अभी हम मंदिर पहुंच गए हैं। मेरे साथ बने रहिए, आज भगवान भोलेनाथ का और माता रानी का दोनों का दर्शन करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ओम नमः शिवाय। ये जो मंदिर है ये माँ दुर्गा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और ये मंदिर रामनगर लंजीपुली ब्रह्मपुर गंजाम जगह में स्थित है। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी है। यहाँ बहुत श्रद्धालु भक्तों का शाम को, सुबह और शाम दोनों टाइम बहुत भीड़ रहता है। ये देखिए सामने सिंह द्वार है, यहाँ से हम जैसे प्रवेश करेंगे यहाँ सबसे पहले माता रानी का मंदिर है और माता रानी का मंदिर के अंदर से होकर के आपको जाना होगा बाबा अमरनाथ, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। अभी हम थोड़ा सा प्रसाद वगैरह ले करके मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। मेरे साथ बने रहिए, पहले हम माता रानी का प्रसाद लगाएंगे, भोग लगाएंगे, दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद फिर भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जाएंगे। बहुत सुंदर मंदिर है, मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ चलिए, आज भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, माता रानी का भी दर्शन करते हैं। ये देखिए ये माँ दुर्गा माता मंदिर है, मंदिर के मध्य भाग है। देखिए इनके चारों तरफ माता रानी की फोटो वगैरह लगाया हुआ है। ये मनकामना घंटी है, अपने मन में जो भी श्रद्धा इच्छा है मनकामना घंटी को बजा कर माता रानी के पास भोग लगाइए, दर्शन करिए। सुंदर मंदिर है। जय माता दी, जय माता, जय माता, माँ जगत जननी संकट दारिणी नारायण भद्रकाली, सभी को प्रकृपा दृष्टि बने रखे माँ। अभी हमने मंदिर से माता रानी के मंदिर से दर्शन करके अभी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आ गए हैं। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ बाबा अमरनाथ के रूप से यहाँ पर विराजमान हैं। भगवान नंदी महाराज को नमन करते हुए भगवान अमरनाथ महाराज को दर्शन करिए। बाबा अमरनाथ सुंदर मंदिर है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
श्री श्री बाबा अमरनाथ मंदिर और यहाँ ऊपर नवग्रह विराजमान है। ये बाबा अमरनाथ मंदिर का परिक्रमा मार्ग है। परिक्रमा मार्ग में चतुर्पाश में भगवान गणेश जी विराजमान है। यहाँ पर भगवान गणेश जी को यहाँ से नमन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर भगवान कार्तिक सर महाराज विराजमान है। देखिए भगवान कार्तिकेश्वर महाराज को नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर माता रानी विराजमान है, माँ दुर्गा विराजमान है। यहाँ हमारा भगवान भोलेनाथ की परिक्रमा मार्ग समाप्त होता है। अभी हम मंदिर की मध्य से ही रास्ता है जो कि माँ दुर्गा माता की मंदिर का भी परिक्रमा करेंगे। यहाँ से माता रानी का मंदिर का परिक्रमा मार्ग शुरू है। यहाँ से माता रानी को नमन करते हुए माता रानी का मंदिर का परिक्रमा भी हम करेंगे। अभी जय माता जी करते हुए यहाँ हमारा माता रानी का अभी मंदिर का भी परिक्रमा मार्ग समाप्त हो रहा है। अभी जब हम पीछे से मोड़ फिर आएंगे तो यहाँ भगवान भोलेनाथ का और माता रानी का मंदिर के ठीक पीछे बहुत सुंदर एक सरोवर है। जिस सरोवर से जो भी जल वगैरह ले कर के यहाँ मंदिर की सारे सेवाएं होता है। यहाँ भगवान जी का त्रिशूल विराजमान है और त्रिशूल जो कि नमन करते ही हम आगे बढ़ते ही फिर भगवान वीर हनुमान जी भी यहाँ पर विराजमान है। देखिए जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम हनुमान जी को नमन करते हुए भगवान भोलेनाथ का दर्शन हो गया हमारी। अभी हम भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके फिर हम माता रानी के मंदिर होते हुए बाहर आएंगे, क्योंकि ये रास्ता जो है माता रानी के मंदिर से ही होकर के भोलेनाथ के मंदिर तक जाता है। ये माँ दुर्गा माता मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर भी है। आप लोगों को भी कभी मौका मिले, आप लोगों ने अपनी संपूर्ण परिवार को लेकर के आकर के माता रानी का और भोलेनाथ के दर्शन कराइए। आज का हमारी दर्शन भोग परिक्रमा हो गया है। ये वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए और जो नया सब्सक्राइबर मेरे चैनल में जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।